अस्सलाम वालेकुम जी, आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमारे एक दोस्त कराची से आए हुए हैं, इफी भाई। ये कराची में गाड़ियों का काम करते हैं। जी आप कौन से रोड पे गाड़ियों का काम करते हैं जी, बताएं। मेरा खालिद बिन वलीद रोड पे शोरूम है, वहाँ पे मैं होता हूँ। और अपने दोस्त राणा साहब के पास आए हूँ, तो आज राणा साहब ने मुझे कहा है कि आज शहर से आपको कुछ चने खिलाते हैं। मेरा बड़ा दिल है क्योंकि जो लाहौर में चने मिलते हैं वो कराची में नहीं मिलते। आज इन्हें ना लाहौर का नाश्ता करवाने के लिए शहर लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसलिए आज हम गाड़ी पे नहीं आए, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं कि अंदरून शहर जाना है। आज इन्हें लाहौरी नाश्ता करवाना है और आज मौसम भी बहुत प्यारा है, तो इसलिए जो है ना आज इनको लेकर हम जा रहे हैं अंदरून शहर की तरफ। देखते हैं रास्ते में प्रोग्राम बनाते हैं किससे नाश्ता करना है, लेकिन इन्हें नाश्ता जो है ना आज लाहौरी स्टाइल वाला लाहौरी नाश्ता करवाना है। लाहौरी नाश्ता ना हो तो दिन की जो है ना वो शुरुआत नहीं होती खाबे के साथ। आज इन्हें ना खाबा खिलाना है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे बात करते हैं। लाहौर में जितने भी लोग हैं, लाहौर का नाश्ता तो पूरी दुनिया में मशहूर है, पंजाब का नाश्ता खासतौर पे। और लाहौरी तो वैसे ही खाने पीने के बहुत शौकीन है, तो आज मैं भी, आज राणा साहब ने मुझे कहा है कि आज मैं आपको नाश्ता करवाता हूँ। मौसम भी अच्छा था तो मैंने कहा चले फिर हम चलते हैं, और आप लोग भी देखेंगे कहाँ लेके जाते हैं। थैंक यू जी। हम वहाँ पहुँच कर फिर आपको दोबारा जो है ना अपना व्लॉग का स्टार्ट करते हैं जी। हम लाहौर स्टेशन आ गए हैं। इफी भाई आपने ये लाहौर स्टेशन देखा है? नहीं अभी नहीं देखा मैंने इतना, मगर बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। इसकी तारीफें सुनिए मैंने। ये जी लाहौर फोर्ट है, इसके साथ से हम अंदर जा रहे हैं टकसाली गेट वाली तरफ से। ये इसकी बैक साइड है जी लाहौर फोर्ट की, ये शहर की तरफ दरवाजा है जी। हम आ गए हैं लाहौर की फूड स्ट्रीट जी। हम फज्जे की दुकान के आगे से गुजर रहे हैं जी। आपको ये अंदरून शहर दिखा रहे हैं, अंदरून शहर की गलियां हैं ये सारी जी। इफी भाई आपको हम शहर में लेके आए हैं। अच्छा। तो इधर गोसिया मटन चने वाले हैं, इनके बदामों वाले चने हैं। हालांकि हम सुबह आए हैं, तकरीबन 8:30 का टाइम है, लेकिन अभी भी इनके चने बस खत्म होने वाले हैं। सही, चले आए जी इनसे मिलते हैं। इन्होंने बादाम डाले हुए हैं चनों में। अच्छा। ये मशहूर है इस बात में, इनके मटन वाले चने बादामों वाले मशहूर है। जबरदस्त। मैं सर कराची से आया हूँ और स्पेशली ये मुझे लेके आए और एक घंटे की ड्राइव करके हम लोग आए हैं आपके पास। क्या खाएंगे आप? बस जो आप प्यार से खिलाएंगे वो खाएंगे। और ये देखें जी इनकी मटन की रोटियां, देखें ये जबरदस्त। इनके पास कोफ्ते भी होते हैं मटन के। बिस्मिल्लाह। तो ये आप कब से लगा रहे हैं? 30 साल हो चुके। 30 साल से? 37 ईयर। वाओ जबरदस्त। तो आपकी कोई और भी ब्रांच है? यही है शुरू से, यहीं पे। आप चनों में क्या डालते हैं जी? क्या चीज है जिसकी वजह से लोग खींचे चले आते हैं आपके पास? काली मिर्च है और मेरी माँ और मेरे उस्ताद की दुआएं। जबरदस्त। मेरी माँ की दुआएं बस। माशाल्लाह। मेरे उस्ताद की। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। ये दो मेरे भाई बैठ के चने खा रहे हैं, इनसे पूछते हैं ये कब से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, इनको टेस्ट क्या लगता है इसका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे आप? ठीक ठाक है? आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर चने खाने के लिए? जब से होश संभाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आप इनके पास क्यों आते हैं जी? इनके चनों में क्या खास बात है? आपको अच्छा टेस्ट, अच्छा टेस्ट है, मजा आता है जी। आप बताएं जी भाई, आपको इसमें टेस्ट में क्या, दूसरों के निस्बत क्या फर्क है इसमें? मुख्तलिफ है आदमी के कहने वालों। अच्छा। वैसे भी ये हमारे मजेदार है। अच्छा। काफी अच्छे से मैं खा रहा हूँ, अच्छे इंसान है, खुश इखलाक है, अल्लाह ताला इनकी रोटी। तो अभी तो 8:30 हो गए, उनके चने खत्म भी हो गए हैं।
यही वजह है, अच्छा जायका है, अच्छा जायका। बड़ी प्लेट चढ़ाते डबल प्लेट लाओ कोफ्ते, दो कोफ्ते पा दो। एक इंच से हमने मटन चने लगवाए हैं और दो चिकन के कोफ्तों के साथ मटन चने हैं। देखें जी इसमें बादाम, हरी मिर्चे, सैलड और कुलचे देखें कितने प्यारे हैं, हार्ट शेप बने हुए हैं। जितना इनका दिल बड़ा है उसी तरह दिल वाले नाम बनाए। जी टेस्ट करके बताते हैं आपको जी। इरफान भाई टेस्ट करके बताएं इनका टेस्ट कैसा है। बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहली जो बाइट है वो बादाम के साथ लूंगा मैं जी। कैसे चले हैं? जबरदस्त जबरदस्त, मजा आया आपको? बहुत मजे गए, बहुत मजे गए। अच्छी जगह पे लेके आए आज आपको? बहुत जबरदस्त जगह है और इसमें जो बादाम है उनका तो जवाब नहीं है। और कोफ्ते क्या स्वीट टेस्ट है इनका, मैं कोफ्ते टेस्ट करता हूँ, शक्ल में इतने प्यारे लग रहे हैं। अब तो मैं एक कोफ्ते की बाइट ले रहा हूँ, जबरदस्त मटन की कोफ्ते हैं। ले जी मुझे भी टेस्ट करवाएं जी आप, मैं भी टेस्ट करने लगा हूँ। वाह क्या मजे के चने, मजा आ गया। इतनी दूर से आने के इतना पैसे पूरे हो गए। बाकी पता लगा लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है सर, यहाँ के इसी भी खापे मशहूर है। आप कौन सी मर्जी गली में चले जाए लाहौर के, आपको एक से एक बढ़ के फूड मिलेगा यहाँ पे। राणा साहब आज मैं कहता हूँ अगर मैं इसको कोई रेटिंग देता हूँ ना तो 10/10 ही दूंगा मैं इस चने वाले चने को। और हौसिया चने वालों का जो मैं चनों का टेस्ट के, एक तो काली मिर्चों में है ये और इसमें जो ये ग्रीन चिली का जो एक टेस्ट आ रहा है वो ग्रीन चिली का और काली मिर्च काली मिर्चों में बने हुए और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और साथ ये जो स्पेशल चने ये रायता भी बहुत अच्छा है जी। ये स्पेशल चने हैं जी इनके, बहुत स्पेशल, बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं खाने के लिए जी। सुबह चने कितने बजे लगाते हैं? सुबह 4:30 बजे और अभी टाइम हुआ है 9:15 हो गए हैं। ये देखेंगे घड़ी का टाइम हुआ है ना 8:30 बजे जी। जब हम इनके पास आए तो तकरीबन चने बहुत थोड़े से रह गए थे हमारे, खाते खाते चने खत्म हो गए। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे कि आप इसको बढ़ाते क्यों नहीं है, जब आपको पता है आपके कस्टमर में देख रहा हूँ अभी कितने आ रहे हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं और वो खाली जा रहे हैं, तो आप इसको पकाने भी करते हैं? ये पकाने में टाइम लगता है। अच्छा वो टाइम 3 बजे हम दुकान पे आ जाते हैं, 4:30 बजे जाकर। आप अपने टेस्ट को खराब नहीं करना चाहते क्योंकि मेयार आपका जो है वो बिल्कुल बिल्कुल एक नंबर है और अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोगों की कतार लगी हुई है और आप वो खाली गए क्योंकि अल्लाह पाक की रहमत है, मेरा कोई किरदार नहीं, अल्लाह पाक की रहमत है, मेरी माँ की दुआएं, मेरे उस्ताद की दुआएं। अगर आप जितने खलूस से और प्यार से चीज को बना रहे तो लाजवाब, मैं बहुत खुश हुआ आपके चने। आप इसको कितने नंबर देते हैं? 10 मैं आपकी अगर रेटिंग देता हूँ तो 10/10 दूंगा मैं आपको, 10 में से 10 मेहरबानी और इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा। पास पेमेंट दे रहे हैं तो ये पैसे नहीं ले रहे आपसे, कहते हैं जी आप कराची से हैं तो आपको उससे पैसे नहीं लेने। हाँ जी मेहरबानी, आप हमारे मेहमान हैं तो मेहमानों से लाहौर वाले पैसे ले लें, ये कैसे हो सकता है?
नहीं सर ये आप ऐसे ले लेना ये ऐसा ये हमको आ गई आपके पैसे नहीं सर ये नहीं नहीं आप पूरे ले आपकी बहुत बहुत फिर आएंगे फिर ले लेंगे मैं लौट गया ले देखा नहीं लोरी है वो कहते हैं हम आपसे पैसे नहीं लेंगे आप कराची से आए आपका मेहमान नवाजी का और लोहरियों ने आज जिस तरह हमें आज वेलकम किया सुबह जो हमारी आज वेलकम हुई है हम तहे दिल से आपको बहुत शुक्रिया आपका इंतजार करेंगे दादा के मेले पे आए बिल्कुल जरूर सर इंशाल्लाह ले जी इनके बेटे से बात करते हैं इन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए जी आज कोई बात नहीं हमारे मेहमान है हम आपकी कदर करते हैं आप कराची से हैं हमारा फर्ज है आपकी कदर करना फेवर करना हमारा काम है आप राणा साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन करें ताकि आप उनकी मजीद वीडियो देख सकें जी बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया जी सामने ही है कच्ची लस्सी वाला बंदा बैठा है उसे जो है ना कच्ची लस्सी साझी पीते हैं आज तो लाहौर भाई मैं कहता हूँ मजा आ गया आज आज की सुबह राणा साहब मजा आ गया ले जी भाई इसी भाई ले जी लस्सी पिए थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में खुदा हाफिज़